कल एक वियर्ड चीज़ हुई, जब मैं गाड़ी में था मुझे एक मैसेज आया मेरे SBI बैंक वाले से कि तुम्हारा अकाउंट है ना ब्लॉक हो गया है टेम्परेली, और ये लिंक है इस पर क्लिक करो तुम्हारा अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए। दो हज़ार 15-16 की बात है, जब भी कोई मौका मिलता था हमें YouTube से सीखने का, तो एक चीज़ हर कोई बोलता था कि भाई साहब योर ऑडियंस विल ग्रो विथ यू, मतलब आपकी ऑडियंस जो है आपके साथ उम्र में बढ़ेगी, और वो हुआ भी। लेकिन टाइम का अंदाजा स्कूल में कैसे मालूम पड़ता है? ऑफकोर्स स्कूल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड वायर जॉब लगता है तब ज़्यादा मालूम पड़ता नहीं, अनलेस एंड अंटिल इट इज 31 December तो मालूम पड़ता है अरे भाई साहब एक साल गुजर गया। नाउ व्हेन आई मीट सम ऑफ यू गाइज, और कुछ कुछ लोग बोलते निखिल भाई आई स्टार्टेड वॉचिंग यू व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड नाउ आई एम डूइंग अ जॉब, लाइक जॉब स्कूल इतना टाइम हो गया। नॉट जस्ट जॉब, कितने लोगों की शादी हो गई और कितने लोगों के हमारे साथ ही बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि मैं मिलता हूँ लोगों जिनके बच्चे हो जो बोल रहे हैं आई एम वॉचिंग यू सिंस आई थिंक सिंस कॉलेज। वीडियो की शुरुआत में बोलने की वजह सिर्फ एक ही है, आई वांट टू गिव मैसेज टू एनीबॉडी हु इज वॉचिंग एंड हु इज अंडर 20 इयर्स ओल्ड, लाइफ इज गोना चेंज लाइक दिस इन द कमिंग 5 years, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का आई को पता नहीं क्या हो गया, मेरी चप्पल उठा उठा के बार बार अंदर लेके जा रही है और फेंक रही है, मैं उसको बस कर बेटा बस कर दैट्स इट डन नो मोर। अरे यार रिमोट मिल गया उसको, हाँ ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आई विल वॉच टेलीविजन नाउ। बैक टू द हैवी वेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, जितना भी वजन आई थिंक वो जो वाटर वेट होल्ड हुआ था मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के बाद आई थिंक वो अभी ऑलमोस्ट चले गए, और अभी वेट ट्रेनिंग पे अच्छे से जा सकते हैं। पहले क्या होता था वेट ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर पेन होता था, अभी पेन चले गया, आई एम ऑफ ऑफ द मेडिकेशन सिंस 7 days, आई एम फीलिंग अमेजिंग गाइस, वरना पूरा ब्लोटेड रहता था भाई साहब एकदम जबरदस्त लग रहा है। और एक चीज़ गलती करते थे हम लोग, पहले राइडिंग के टाइम पे रेजिस्टेंट बैंड या कुछ भी सब वर्कआउट इक्विपमेंट लेके जाते थे, जबकि जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती, बिकॉज राइडिंग करते रहे हम इतनी कैलोरीज बर्न होती है, मैं हैप्पी वे वही बोल रहा था भाई, वैसा लगता है कि वजन बढ़ गया बिकॉज हम लोग पानी पीते रहते बैठे रहते, तो यहाँ पर वाटर होल्ड करता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता, उल्टा वजन घटता है। हाँ अगर गलत खाओगे पूरा मीठा खाओगे, अभी ईशान गया था, ईशान का थोड़ा वजन बढ़ गया था बिकॉज वो बहुत स्वीट खा रहा था, लेकिन अपने केस में अपन स्वीट नहीं खाएंगे, अपन खाना खाएंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्काई भी कोकोनट वाटर पी रही है अपना, उधर कोकोमेलन बहुत खेली जब मैं गया था, तो अभी कोकोमेलन। रात को एक्चुअली पूरी शर्मा फैमिली जा रही है डॉक्टर आशर की फैमिली को मिलने के लिए, शायद हैप्पी भाई ज्वाइन करेंगे, एक्चुअली हैप्पी भाई निकल रहे हैं अभी, और हैप्पी भाई की कुछ भी प्लानिंग हुई नहीं, तो मैंने भाई आप है ना आप पूरा पैकिंग करो प्लानिंग करो, वरना मालूम पड़ा आप चले गए पर आपकी आधा पैकिंग हुई नहीं, तो उसमें दिमाग खराब होगा, देखते हैप्पी भाई रात को आते कि नहीं। फिलहाल तो अपनी बच्ची जो है कोकोनट वाटर पी के मिरर के सामने डांस कर रही है, और जब मैं जिम गया था तो शायद बड़ी बहुत एक्टिविटी किया इसने, तो अभी मैं खाना खाता हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी है, आज शायद पनीर बनाने बोला था और यस पनीर, और स्काई को अभी मैं ट्रैप कर दूंगा, इसके अंदर ट्रैप कर दूंगा, ले बेटा तू ट्रैप्ड है। अरे यार इसकी हाइट लंबी हो गई, शुरू शुरू में इसकी नीचे आती थी, क्या करेगी ये, गिर गई, धक्का दे रही है, अरे अपना फोन डाले तो She'll figure out how to come out. Nindu is coming. इसको नींद आने का टाइम हो गया है, बेबी नींद आ रही है ना, अभी फिगर आउट करके कैसे निकलू, बहुत मजा आती है ये देखो, और छोटा कर दे और छोटा कर दे, अरे खोल दिया। तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़ने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली है तो नहीं आ रहे, वो है डॉक्टर आशर। डॉक्टर आशर ने वादा किया है कि अगला ट्रिप होगा तो 50% विल बी स्पॉन्सर्ड बाय हिम, एज अ हैप्पी ने बोला मुझे, बिकॉज ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रिया, पैरिस एंड देन ऑस्ट्रिया एंड देन पैरिस, मिलान मत जाना, और अगर जाओगे तो मेट्रो मत लेना। हैप्पी कब से अचार खा रहा है भाई, अपने को वहाँ पर मैक्सिकन पिकल मिलेगा, मैक्सिकन सब कुछ मिलेगा। ये फिश टैंक एक्चुअली एक्वेरियम बोल सकते हैं ना इसको, दिस एक्वेरियम ना, सो अभी काइंड ऑफ लाइक अ बिग फिश टैंक, तो अभी ये खोल के हम लोग अंदर जाएंगे, देखते हैं कैसा दिखता है, चलो आ जाओ देखते हैं कैसा है वो ठंड। अच्छा दिस रेस्टोरेंट, आई जस्ट सॉ इट्स अ रेस्टोरेंट, मुझे लगा ऐसे ही बैठ सकते हैं, वाह, ओ इट्स लाइक अ प्राइवेट सीटिंग, वाह 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 वाह, बीच में बैठ के फिश खाओ, देखो स्काई वो भी आएगा, बेबी शार्क डू 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 डू, यहाँ से करेगी ऐसा, तू भी हंसना, स्काई इज वेरी हैप्पी लुकिंग एट द फिश,
ये बहुत थिक है भाई साहब, ये दीवार से ज्यादा थिक है। तो जब डॉक्टर बोलता है वन ग्लास अ डे, ये वाला ग्लास हैप्पी भाई, ये लेके चलो यूएस आपका। आप बोलोगे ना एक ग्लास पीऊंगा, ये मेरे मुंह के सबसे ग्लास है। और दो ग्लास हो गया तो हो गया भाई। ये मुझे लगता है देवू भाई डीजे भाई ने अपने राइड में ये यूज किया है, एक देवू भाई का डीजे भाई का एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो कल रात को निकिता का बर्थडे था, मतलब 12 बजे के बाद वाला बर्थडे। हम लोग घर जा रहे थे, शानिस को आइडिया आया, शानिस बोलते चलेंगे, हम लोग चलो यार आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को रात को ट्रैफिक नहीं रहती है। हम लोग गए उसका बर्थडे, शानिस ने केक लाया काटा और बाद में लोग घर आ गए, बाद में सो गए। और अभी उठते साथ ये बदमाश तो कोई तो भागी ना इधर ही है, इसको ना आजकल सब समझता है, आई थिंक इसको सब समझता है कि कैमरे में हम इसका रिकॉर्डिंग करते तो ना एकदम कॉन्शियस हो जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा, व्हाटएवर इट इज, अभी शायद इसको थोड़ा सोना है, इसको मुझे बाहर लेके जाना है बिकॉज आज रात को मुझे निकलना है मामात का ब्यूटीफुल पीपल अवार्ड जो एक साल पहले हुआ था फिर से हो रहा है, और वहाँ पर मिलेंगे हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स को। चले चलो 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 ए ए ए माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लड़के सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स को वहाँ पर मिलने वाले, तो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है कॉन्टेंट क्रिएटर को मिलने के लिए। बेटा लास्ट टाइम से तुमको पूछ रहे थे, तू तो बहुत छोटू सी थी, अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, अभी भी अभी तो चलेगी तो सबको परेशान कर देगी। अरे कुछ नहीं कर रहा बेटा मैं, अरे तक ले रहा हूँ, ये देख बेटा चलेगी मेरे साथ, तू चलेगी सबको परेशान कर देगी उधर। ओ ओ ओ ओ ओ क्या खाया? आ आ ये कुछ भी खा के आती है इधर, आ आ ये कुछ भी मुंह में डालती है और ऐसे आती है, आ आ मुझे दिखाती है, देखो मैंने डाला तुम्हारे। कल एक वियर्ड चीज़ हुई, जब मैं गाड़ी में था मुझे एक मैसेज आया मेरे SBI बैंक वाले से कि तुम्हारा अकाउंट है ना ब्लॉक हो गया है टेम्परेली, और ये लिंक है इस पर क्लिक करो तुम्हारा अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट आया बिकॉज वो जो रेगुलर नंबर से मुझे SBI का डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो नंबर से नहीं आया, कोई भलते नंबर से आया। तो मैंने क्या किया, फटक से अपने मम्मी को कॉल किया और बैंक को कॉल किया, और मम्मी ने बोला बैंक जाके पता लगाती हूँ, और तब मालूम पड़ा वो बोगस था। उल्टा बैंक वालों ने बोला डिलीट करो, ऐसे बहुत सारे बैंक से ये सब मैसेजेस जाते हैं। तो मम्मी क्या बोला बैंक वालों ने तुम कही? तो बैंक वाले बोले फर्जी है, जैसे ही है वैसे ही डिलीट कर दो ये। और क्लिक करेंगे तो क्या होगा? क्या क्लिक करेंगे? क्लिक करेंगे तो बैंक क्लिक करेंगे तो पूरा हैक हो जाएगा भाई। मतलब ऐसी सी लिंक बना दी है लोगों ने कि क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल चले जाता है। ये ले, अभी हम पौधा लगा रहे थे, हम लोग को वो मामाअर्थ के हैम्पर में सीड और प्लांट्स के लिए आया था, सब कुछ मिक्स करके इतना मजा आया, शानिस को बड़ा पसंद है सब करना, सब मिक्स करके फाइनली प्लांट यहाँ पे डाल दिया। अभी सिर्फ पानी स्प्रे करना है और दिन में दो बार पानी डालना है, सात आठ दिन में प्लांट जो है बढ़ जाएगा थोड़ा, उसके बाद वी कैन पुट इट इन द ग्राउंड इन द गार्डन या फिर कोई भी बड़े। और ये तुलसी का प्लांट कितना बड़ा होगा, इतना साल आए थे इतना बड़ा हो गया। और ये अभी क्या कर रही है, सब कुछ सामान ला ला के मम्मी के हाथ में दे रही है। और देखो मस्त, ये जो अभी इसने शॉर्ट्स पहना है डेनिम वाला, इसको इतना लूज आता था, मस्त हो गया। अभी अभी तुम्हारे हाथ में ला के देगी, देखो ये देखो ये लो दादी। अरे भाग गई, नहीं भाग गई, उसको अभी अंदर फेंकना है, उसको खोलना है। ये गाड़ी को चेंज करके ये गाड़ी पे आ जाएंगे हम, अपनी वेन्यू एकदम टकाटक धुली हुई है बिकॉज आज जाना है सेंट रीजेस और वहाँ बहुत ट्रैफिक रहने वाली है। तो भाई ऑडी लेके मुझे वो टेंशन नहीं, बिकॉज शानिस मेरे साथ नहीं रहेगी, शानिस नॉट कमिंग विद मी। बेवकूफ़ी कर दी मैंने, मैंने गाड़ी हटाई और मैं सीधा वेन्यू को लेके चले गया मेरे वाले घर में, जबकि मुझे यहाँ पर आना था और यहाँ मेरे कपड़े यहाँ पर रखे लेना था। मैं वो घर में गया, दरवाजा खोला था, अरे यार मुझे तो घर पे कपड़े लेने, तो खामखा का चक्कर लग गया। यही होता है जब आपका माइंड कहीं और होता है ना, तो सब गड़बड़ होती रहती है। कैबिनेट बनाया हमने, ये रहे अपने सारे कपड़े, और ये मुझे लेके भी जाना है यार अभी राइड पे। वाला जैकेट ले लिया इसकी पैंट वाले घर में, और ये वाला जैकेट ले लिया, ये वाला जैकेट अब ये राइड के लिए, ये अपन बाद में इसमें कुछ कारनामे करने वाले हैं, और बस कुछ है यार इसमें से मेरे पास। अभी जैसे ही मैं घर आया तो ये वाला कैमरा पता है कहाँ था, ये वाला कैमरा यहाँ ज़मीन पे गिरा पड़ा था। मुझे डर लग गया कि मैं कैमरा यहाँ रख के गया था, मैं भाग के गया शानिस को पूछा, मेरा शानिस ऐसे तो नहीं स्काई ने मेरा कैमरा फेंका, और शानिस का कैमरा फेंका नहीं है, जब तू गया था तो हम लोग खेल रहे थे तो उसने कैमरा उठा के लिया, तो मैंने उठा के ज़मीन पर रख दिया। थैंक गॉड, बिकॉज निकलने के पहले भाई बहुत खर्चे हो गए, ये वाला खर्चा मेरे को सबसे बड़ा खर्चा लगेगा तो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा व्लॉग में शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, व्लॉग में क्या रियल लाइफ में और अच्छी लगती है, शाइनजेनिक्स की है और शाइनिस ने भी शाइनजेनिक्स पहना है। तो लिंक फॉर दिस कॉस्ट्यूम एंड दिस शर्ट विल बी देन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। स्काई जो यहाँ पर सो गई, कभी निकलेगी तो अभी निकल गई, मुझे तो रेडी होना पड़ेगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं पर समाप्त, भूल गई दूध, भूल गई गिरा, अरे बाप रे बाप,
टाइमिंग होप्स। अरे शायद तू कैसे कर लेती, मतलब उबलते गिरते गिरते रह गया, इसने बंद कर दिया, मतलब मस्त कैमरा में कॉट होता। एनीवेज गाइस ये वीडियो में समाप्त करते हैं, उसमें रेडी हो गया अभी निकलना है। ये वीडियो आते देख लिया, अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दिस इज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मासलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आई लव यू फ्रेंड्स आदि सभी को शुभकामनाएं, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग जब एक साथ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, एडिट करते हुए लगता है क्या अकेला बोल रहा हूं यार। शानिस है पर शानिस प्रॉब्लम्स का याद रहती है, और तू लेता नहीं है मुझे तेरे ब्लॉग में, वो बोल दे मैं ऐसा भाव नहीं देता किसी को, पर क्या लोग फिर ना दुश्मनी करवा। मेरा भाव नहीं चाहिए प्लीज। आई एम जस्ट जोकिंग, तू स्टार है यार, तू मेरी लाइफ की स्टार है।